गोजो सातोरू जेजेके का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर जिसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। क्या तुम्हें लगता है कि उसे कोई मार सकता है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि गोजो का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो जाके सीजन 2 का एपिसोड 3 देखो। गोजो की जो भुंड पाड़ी है ना उसमें भाई उसे लिटरली मार दिया। और ये किया है तोजी ने, मेरा जेजेके का फेवरेट कैरेक्टर। तोजी ज़ेनिन क्लैन को बिलोंग करता है जिस क्लैन की माँ की है, मतलब तोजी माँ का ताऊ चाचा में से कोई लग है। तोजी स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें कर्स्ड एनर्जी है ही नहीं जो इसे और सबसे अलग बनाता है। और ये जेजेके की हिस्ट्री का एक लौता इंसान है जिसके अंदर कोई कर्स्ड एनर्जी नहीं है, जिस वजह से इसी की क्लैन के लोग इसे पसंद नहीं करते थे। और इसी सब के चलते तोजी अपनी क्लैन को छोड़ देता है और अपनी वाइफ की क्लैन फुशीगोरो फैमिली को जाकर ज्वाइन कर लेता है। और अगर तुम्हें ये नाम फुशीगोरो सुना सुना लगता है तो मेगुमी भी फुशीगोरो फैमिली का ही मेंबर है। और भाई साहब तोजी इसके पिताजी हैं। तोजी के पास कोई स्पेशल पावर नहीं है, बस वो फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करके भाई उसने गोजो की मार ली। गोजो को कुछ समझ नहीं आया कि भाई होया क्या, और जो इसका मिशन था स्टार प्लाज्मा वेसल को मारने का वो भी पूरा कर लिया है। कितनी आराम से मारता है योरिको को, और इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जेजेके के यूनिवर्स में इस टाइम जो भी गड़बड़ हो रखी है ना वो सब तोजी की वजह से ही है। और इस टाइम बहुत से लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि अगर गोजो इस एपिसोड में मर गया है तो फ्यूचर में जिंदा कैसे है। तो अभी इस आर्क के 2 एपिसोड बचे हैं, तो वे एपिसोड देख लो पहले, तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे तुम्हें। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, पर तब तक के लिए ओके बाय।